वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी कुछ झटपट मीठा खाने की सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। और इस रेसिपी को बनाने में हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये पूरी तरह से हेल्दी भी है और ये घर के रखे सामान से बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जिससे मेरा नया कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। तो ये करना बिल्कुल फ्री है। तो हम चलो शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को बनाना। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गर्म किया है। इसमें डालेंगे हम एक कप बेसन। हमने यहाँ पे मार्केट वाला बेसन लिया है। तो अभी हम इसको रोस्ट करेंगे बिना घी के, कुछ भी डालेंगे नहीं। तो इससे करने से इसकी क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल या घी नहीं लगता है। तो पहले इसे सूखा रोस्ट कर लेंगे। तो ये इसकी सबसे मेन ट्रिक है कि हम थोड़ा कम घी लगे, इसके लिए इसे पहले हम सूखा भून लेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो रखेंगे और बेसन को भून लेंगे। इनको हमें इतना भूनना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे। अगर ये प्रॉपर भुनेगा नहीं तो फिर जो हम इसकी रेसिपी बनाएंगे ना वो अच्छी नहीं बनेगी, इसमें थोड़ा सा कच्चापन आ जाएगा। तो इसका भूनना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम चलाते हुए भूनेंगे, कढ़ाई में डाल के हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो फिर ये नीचे लग जाएगा। तो इसे बराबर हम चलाते हुए भून लेंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे हमने बेसन को 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लिया है। तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और इसमें हल्की खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे इस स्टेज पर, यहाँ पे लिया है आधा कप घी। तो घी को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम घी के साथ बेसन को मिला के भून लेंगे। अब हम घी में बेसन को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने पहले से बेसन को भून लिया था तो अब ये ज्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और इसे हम एक मिनट ऐसे घी में लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब यहाँ पे हमने बेसन में घी अच्छे से मिला लिया, तो अब यहाँ डालेंगे हम 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से इसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और सूजी को भी हम इसमें मिला लेंगे और सूजी भी इसमें अच्छे से भून जाएगी। आपको अगर ज्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना तो आप यहाँ पे ज्यादा आधा ऑयल और आधा घी भी डाल सकते हैं, पर बेस्ट रिजल्ट इसका घी से ही आता है। तो आप कोशिश करिए कि घी में ही बनाएं। थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के हमने यहाँ पे 4 इलायची को क्रश कर लिया है, तो वो हम इसमें मिला देंगे और इसे भी हम भूनेंगे। सूजी डालने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट और भूनना है। अब यहाँ पे हमें सूजी को डाल के भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए और ये बहुत अच्छे से इसमें भून गई और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है घर में। हम इसे स्टेज पे डाल देंगे इसमें थोड़े से नट्स। तो हमने यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम को छोटा छोटा कट कर लिया है रफली, वो हम इसमें डाल देंगे क्योंकि नट्स बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो हम इन्हें अलग से ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ना इसी मिला लें तो ये 1 मिनट में इसमें भुन जाएंगे। नट्स डालना पूरी तरह से इसमें ऑप्शनल, अगर यहाँ पे आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हम लोग मिठाई खाएंगे तो बीच बीच में नट्स आते तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। मिल्क पाउडर के छोटे छोटे सैसे भी मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इसे स्किप कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसे भी हम फटाफट मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने सारी चीजों को अच्छे से कर लिया है मिक्स और बेसन भी बहुत अच्छे से भुन गया है। इसका कलर भी देखिए पहले से चेंज हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे लिया है आधा कप गुड़। हमने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया था तो उसका जस्ट आधा गुड़ लिया है और 2 चम्मच हमने यहाँ पे
मिल्क पाउडर डाल दिया था, तो हम गुड़ थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मिल्क पाउडर नहीं डाले तो गुड़ एक चम्मच इसमें और डाल सकते हैं। गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया था तो ये इसमें जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब गुड़ हम इसी में डाल देंगे। यहाँ पे अब हम गैस को कर लेंगे बंद, क्योंकि गुड़ डालने से ये, अगर हम गैस ऑन रखेंगे तो ये टाइट हो जाएगी मिठाई। अभी कढ़ाई गर्म है तो ये धीरे धीरे इसी में मेल्ट हो जाएगी, गुड़ इसी में मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे, तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे गुड़ को डालने के बाद। अब मिठाई, अब गुड़ को हम इसी बेसन में अच्छे से मिलाएंगे। कढ़ाई गर्म है तो ये अच्छे से इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, गुड़ डालने के तुरंत बाद गैस को बंद करना है, ये गुड़ बहुत जल्दी पकने लगता है और ये मिठाई फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसे हम इसी तरह मिलाएंगे। और ये मिठाई ऐसी है कि कोई भी खा सकता है, ये पूरी तरह से हेल्दी है। यहाँ पे अगर आप गुड़ नहीं खाते तो फिर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ से इस्तेमाल गुड़ डालेंगे तो ये हेल्दी ऑप्शन है। जो लोग चीनी वगैरह नहीं खाते उनके लिए ये हेल्दी ऑप्शन है। तो हम इसे फटाफट से मिला लेंगे, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है इसमें। तो लीजिए, हमने यहाँ पे गुड़ को बेसन में अच्छे से मिला लिया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पे बर्फी को जमाने के लिए एक प्लास्टिक का फ्लैट बॉक्स लिया है, तो इसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास कोई फ्लैट बर्तन हो तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। आप यहाँ पे टिन को पहले से तैयार करके रख लीजिए, हमने थोड़ा बाद में किया है। और जो इसे जो मिश्रण बनाया ना, जो इसे हमें फटाफट डालना, अगर ये ड्राई हो जाएगा तो बर्फी फिर जमेगी नहीं और बहुत टाइट हो जाएगी। तो इसे जब गर्म रहती ना उसी टाइम हमें इसको फटाफट से इसमें बॉक्स में डाल के जमा लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे मिठाई वाले मिश्रण को इसी में डाल दिया है बॉक्स में, और इसे हम स्पैटुला की सहायता से अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगी। और ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो फिर सेट नहीं होगी। तो इसे ये काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये फिर मिठाई प्रॉपर शेप में नहीं बन पाएगी। और हल्का सा इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगी अच्छे से। तो लीजिए, हमने यहाँ पे मिठाई को बॉक्स में अच्छे से सेट कर लिया। अभी देखने में बहुत ही शानदार लग रही है। हमने यहाँ सेट करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़े से डाल देंगे कटे हुए नट्स। यहाँ पे हमने काजू और बादाम को छोटा छोटा कट कर लिया। आप यहाँ पे पिस्ता भी डाल सकते हैं, या फिर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे मत डालें। और इसी स्पैटुला की सहायता से इसको हल्का सा प्रेस दे देंगे तो ये इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद का डाल सकते थे, देखने में ये और भी अच्छी लगने लगी। अब हम इस मिठाई को यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको लगभग सेट होते हुए आधा घंटा हो गया, तो हम एक नाइफ की सहायता से इसमें पीसेस में कट कर लेंगे। ज़्यादा देर बाद इसको कट करेंगे तो ये प्रॉपर शेप में नहीं कटेगी। अभी देखिए ये सॉफ्ट है तो ईजिली इसमें कट लग जा रही है, तो इसे हम अच्छे से दोनों तरफ से कट कर लेंगे। अब हम इसे लंबाई में भी कट कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी कट हो जाती है। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी हेल्दी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके रेडी हो गई, और वो भी घर के बेसिक सामान से। तो देखने में ये बहुत ही शानदार लग रही है। देखने में जितनी ये शानदार लग रही, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई कर। तो मैं तो अपने घर में इस मिठाई को एंजॉय कर रही हूँ। आप भी अपने घर में कभी भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। किसी भी फेस्टिवल पे भी आप इसको पहले से बना के रख सकते, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो मैं तो अभी इसे एक प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और हमें उम्मीद है कि इस रेसिपी को आप एक बार में ही परफेक्ट बना के तैयार करेंगे। अगर ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें, और हमें बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मैं आपको इसका एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ही सॉफ्ट बनी है। इस बात का ध्यान रखना कि हमें गुड़ जब डालेंगे तो उस टाइम गैस बंद करके इसे फटाफट मिला के जमा देंगे, नहीं तो अगर ये थोड़े ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये बहुत टाइट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।